नमस्कार, मैं हूं सौरभ बरासी। आप देख रहे हैं फिश फार्मिंग इन लो कॉस्ट। आज का वीडियो ऑनलाइन फ्रॉड को लेके है कि मछली पालन में ऑनलाइन फ्रॉड कैसे हो रहा है, किस तरीके से लोग कर रहे हैं और आप कैसे बच सकते हैं उससे। तो ये वीडियो ऑनलाइन फ्रॉड को लेके बनाया गया है क्योंकि काफी जो पीड़ित हैं ऑनलाइन फ्रॉड से वो मेरे पास फोन करते हैं और मुझे अपनी जो दास्तान है वो बताते हैं। उसके बिहाफ पे मैं आपको उस चीज के लिए आगाह करता हूं। तो ये वीडियो ऑनलाइन जो आप देखते हैं कि ऑनलाइन मछली के बच्चे, दाने, ये सब आजकल सब कुछ ऑनलाइन बिक रहा है, लेकिन पहले क्या था, ये जो फेलियर है ये अपने क्षेत्र, अपने जो लोकल एरिया है वहां पर लोगों को बेवकूफ बनाते थे। वहां पर लोगों को बोलते थे कि भाई मछली पाल लो, करोड़ रुपए मिल जाएंगे आपको, इतना है ये वो, ऐसे झूठ बोल बोल के उन्हें मछली डलवाते थे। जब वो पूरे एरिए में सबको उनने इन्फेक्टेड कर दिया, सबको जगह जगह पे सबको डस लिया, इसे डसना बोलते हैं, सबको डस लिया, उसके बाद जब कुछ नहीं पता, उन सबको शहर वालों को पता चल गया कि ये आदमी फ्रॉड है, इसके चंगुल में नहीं आना चाहिए, तब उन लोगों ने ये काम किया कि ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन अब लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि शहर वालों को तो पता है, लेकिन दूसरे जो शहर में बैठे हैं उन लोगों को इस चीज की हकीकत नहीं पता है कि वो व्यक्ति असल में है कौन, क्या वास्तव में उसने कभी फार्मिंग करी है, क्या कितने समय से उसने मछली पालन में कदम रखा हुआ है, और रखा भी है तो क्या वो पास हुआ है उसमें कि फेल ही होता गया है। तो ये चीज दूसरों को नहीं पता होती है, दूसरे बस ये देखते हैं कि ऑनलाइन है मतलब ओरिजिनल है, पर ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में फ्रॉड लोगों ने कब्जा कर बैठ चुके हैं, लेकिन अभी भी हैं 20% ऐसे व्यक्ति हैं जो सही लोग हैं, काम कर रहे हैं अच्छा, और जो ओरिजिनल है उन्हें ऑनलाइन आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी उनका जो बिजनेस है वो ऐसे ही चल जाता है, तो इसीलिए ऑनलाइन नहीं आ पाते हैं। और कुछ नए हैं जो बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो ओरिजिनल लोग हैं, उन लोगों ने ऑनलाइन आए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रॉड लोग ज्यादा रहते हैं। अब मैं बताता हूं दास्तान, पहली दास्तान कि ऑनलाइन में एक और तरीका है कि ये जो ग्रुप बने हैं, आजकल क्या होता है कि लोग ट्रेनिंग के लिए जाते हैं कहीं पे 25-30-40 लोग, और वो आपस में अपना नंबर शेयर करके उनमें एक ग्रुप बना लेते हैं। अब वो ग्रुप में धीरे 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 लोग को वो जोड़ते हैं, उनमें जो फ्रॉड रहते हैं उनकी चांदी हो जाती है क्योंकि वो ग्रुप में जो लोग हैं वो नए हैं, तो जो फ्रॉड लोग हैं वो उसके अंदर घुस जाते हैं और पहले तो अपनी इधर उधर से जानकारी जो रहती है वो करके अपने आप को बड़ा साबित करते हैं कि हम बहुत बड़े 30 मार खान हैं। उसके बाद जब लोगों का भरोसा जीत लेते हैं, फिर उसके बाद उनको सीड का ऑर्डर लेते हैं कि हम आपको कम रेट पे इतना बढ़िया सीड दे देंगे, ये जो भी है, जो चीज मार्केट में ओरिजिनल में मान लीजिए कि 2 रुपए की है तो वो उसे 1 रुपए में दे देंगे, जो कि होना पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी वो 1 रुपए में दे देंगे और व्यक्ति फंस जाएगा। इसी तरीके से कई लोगों ने 60,000 रुपए, कई लोगों ने 50,000, 40,000, 1,00,000, 80,000, इस तरीके की पेमेंट उन्हें दे दी है क्योंकि ग्रुप में वो महीने दो महीने रहते हैं और बहुत भरोसा जीत लेते हैं। उसके बाद वो पेमेंट ले लेते हैं और उसके बाद उनका मोबाइल बंद हो जाता है और वो व्यक्ति सिर्फ घूमता रहता है। ये एक नई तरीका है फ्रॉड का, तो इससे बचना सबसे पहले। दूसरा, आप ऑनलाइन सर्च किया आपने कि फलाना फलाना बच्चा चाहिए हमें, सामने वाले ने आपको फोन किया या आपने किए, ठीक है, आपने बोले आप नए हैं, आपको 1 एकड़ में रेहू डालनी है या कतला डालना है या मृगल डालना, IMC में कुछ भी, या तीनों ही डालनी है, तो सबसे पहले तो वो आपको जो सीड है, सीड की डेंसिटी ज्यादा डलवाएंगे।
क्यों डलवाएंगे? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा आप लोगे तो उतना ज्यादा पैसा वो आपसे लूट सकेंगे। हाँ, ये है कि ऑनलाइन में जो रहता है उसमें बच्चे तो वो पहुंचाते हैं, बच्चे तो पहुंचाएंगे, लेकिन किस क्वालिटी का पहुंचाएंगे ये कंफर्म नहीं होता है। फ्रॉड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे पैसा ले लिया और बच्चा नहीं दिया उसको फ्रॉड बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। फ्रॉड और भी तरीके से होते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन जो रजिस्टर्ड हैं, ये आपका जब आप फोन करेंगे तो फोन करने के बाद ये आपको लालच देंगे। लालच ये देंगे कि आपने कहा कि 1 एकड़ में जमीन है हमारी और हमें कितना बच्चा आ सकता है, तो आपको वो करीबन 1 लाख IMG तक छोड़वा देंगे। 2 लाख 3 लाख भी छोड़वा दें तो उसकी कोई वो नहीं है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये मैंने खुद देखा हुआ है, मेरे पास खुद लोग आए हैं, उनके 1 1 एकड़ के पॉन्ड में 3 3 लाख बच्चे छूटे हुए हैं IMC के, और 3 लाख बच्चे छोड़ने के बाद उनका जो वेट गेन की जो ड्यूरेशन है वो भी मात्र 6 महीना है। फ्राई साइज जब 1 इंच का बच्चा जब जाएगा, 1.25 इंच 1 इंच का, तो मात्र 6 महीने में वो 1 किलो का हो जाएगा, मुश्किल से 7 महीना लगेंगे। इस तरीके से बोलकर 3 3 लाख बच्चा छोड़ दिया जाता है। तो ये है दूसरी घटना। तीसरी घटना ये होती है कि आपको उसमें जो FCR है उसको कम बताया जाएगा, कि जब आप बच्चा खरीदेंगे तो आपका 10,000 जो बच्चा डालना है जिस जगह पे, वहां पे वो 1 लाख बच्चा तो डाल देंगे, साथ ही साथ जब आप पूछेंगे कि हम खिलाएंगे क्या, तो फ्लोटिंग फीड ना बता के वो चावल की भूसी बता देंगे, कि चावल का जो चूरा होता है, चावल का जिसे हम राइस ब्रैन भी बोलते हैं और भूसी भी बोलते हैं, तो चावल की भूसी खिलाकर वो 1 से 1.5 किलो करने का दावा करते हैं, और वो भी ड्यूरेशन भी 6 7 महीना की। तो कैसे पॉसिबल है ये? ये आपको समझना चाहिए कि आप अगर 10 पैसे खर्च कर रहे हैं तो आप 100 रुपए कैसे कमा सकते हैं। 10 पैसे में आप नहीं कमा सकते 100 रुपए। 100 क्या, आप 10 रुपए नहीं कमा पाएंगे। अगर 10 पैसे लगाओगे तो 10 रुपए नहीं मिल पाएंगे। बिजनेस की एक होती है स्ट्रेटेजी कि आपको इतना ही मिल पाएगा, और बहुत सारे अलग अलग बिजनेस हैं, लेकिन मछली पालन का बिजनेस जो है उसमें इतना ज्यादा नहीं है। नहीं तो हर व्यक्ति आज BMW में घूमता, हर फार्मर। तो ये फ्रॉड से आप बचिए कि आपको कोई भी अगर बहुत ज्यादा लालच देता है तो उसको आप थोड़ा पहचानिए, कि आपको जो कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाने की जो बता रहा है वो एक्चुअल में वो फार्मिंग नहीं सिखा रहा, वो एक्चुअल में आपसे पैसा कमाना चाहता है, इसीलिए वो आपको लालच दे रहा है। क्योंकि आज लालच देकर ही लूटा जा रहा है। अच्छा, अब जो है ये तो हो गई फ्रॉड की बात। सबसे पहले वो बच्चा आपसे पैसे तो ले लेंगे लेकिन आपको बच्चा नहीं पहुंचाएंगे। ये जो अलग तरीके से जो ग्रुप वाली मैंने बात की है वो वाला है। अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड में वो बच्चा तो पहुंचाएंगे, लेकिन वो किस क्वालिटी का होगा, मर जाएगा वो जाएगा, उससे कोई उनको मतलब नहीं है। और वो आपको क्षमता से अधिक बच्चा देंगे लालच देके, और एकदम बिल्कुल लो कॉस्ट में, कि आप बिल्कुल कुछ भी मत खिलाइए, वो तो हो जाएगा 1 किलो, इतना तक बोल देते हैं लोग। एक जगह तो एक व्यक्ति को 4 महीने में, करीबन 4 से 5 महीने में 10 किलो का मांगुर हो जाएगा, ये बोल के एक छोटी सी जगह में 1 लाख बच्चे छुड़वा दिए थे। करीबन शायद 2,000 स्क्वायर फीट या 2,500 स्क्वायर फीट था, और वो भी 4 5 महीने में 10 किलो का। वो तो सुन के माइंड आउट हो जाए, इतने खतरनाक खतरनाक लोग बैठे हुए हैं। तो ये आपको समझना है, सोचना है, उसके बाद आगे कदम लो।
अब आपको ओरिजिनल की पहचान कैसे करें और डुप्लीकेट की पहचान, फ्रॉड की पहचान कैसे करें, उसका एक छोटी सी टिप्स देता हूं। बाकी आप अपने बुद्धि का भी इस्तेमाल कीजिएगा, बाकी ये टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको सबसे पहले आपसे बात होगी, जब ऑनलाइन कोई भी आप सप्लायर से बात करेंगे तो वो सप्लायर जो है वो आपको, आपने कहा कि मुझे 1 लाख बच्चे डालने हैं, तो सबसे पहले वो पूछेगा कि आपको 1 लाख बच्चे डालने कहाँ हैं, आपकी जगह कितनी है। ये अच्छे सप्लायर की मैं बात बता रहा हूं कि कितनी जगह में डालनी है, वो उसकी डेंसिटी बताएगा। वो बताएगा कि नहीं आप गलत डाल रहे हैं, आप 1 लाख नहीं डालिए, आप 30,000 डालिए केवल, क्योंकि आपकी जो जगह है, क्योंकि नए व्यक्ति को तो केवल 1 साल में 2-3 करोड़ रुपए कमाना रहता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा सोचता है बहुत ज्यादा डालने की। तो ये चीज हमें ही पता, हम भी सप्लायर हैं तो जानते हैं कि ये होता है। तो जब पूछा जाता है, जैसे मैं ही जब पूछता हूं, जब मेरे से कोई सीड सप्लायर का फोन आता है कि आपके पास जगह कितनी है, डेंसिटी कितनी होना चाहिए, पानी की गहराई कितनी है, कौन सी स्पीसीज डलेगी, क्या आपके पास उस स्पीसीज के लायक खाने लायक पैसा है इतना, क्या नहीं है, क्या खिला पाएंगे, क्या सब्स्टिट्यूट है, ये इसकी जानकारी लेकर पहले हम बताते हैं उसे। ऐसे ही ओरिजिनल लोग भी बताते हैं उन्हें कि आप 1 लाख ना डाल के आप 30,000 डालिए केवल, लेकिन अच्छे से डालिए, और 5,000 ज्यादा डाल दीजिए ताकि मॉर्टेलिटी वगैरह कवर हो। लेकिन 1 लाख को वो 2 लाख नहीं बताते हैं, और 1 लाख को 1 लाख नहीं देते हैं कि भाड़ में जाए, 1 लाख तो अपना मन बच्चा बिक रहा है, ये चीज नहीं की जाती है। ये ओरिजिनल की पहचान है, और वो टाइम ड्यूरेशन आपको हमेशा ज्यादा ही बताएंगे। जब हम बताते हैं किसी को, या ओरिजिनल आप किसी से भी सप्लायर से बात करेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर 6 महीने में तो 2 किलो 1 किलो हो जाता होगा ना, तो नहीं, वो नहीं बताएगा, नहीं, वो ओरिजिनल बताएगा कि 6 महीने में आपका 400 ग्राम आएगा, 500 ग्राम आएगा, या 700 ग्राम आएगा, जितना भी जो भी अलग अलग मछली का है तो इतना ही आएगा, और कुछ मछली का 100 ग्राम। कुछ लोग सिंगी को भी 1-1 किलो करने के लिए मेरे पास फोन किए हुए थे कि सर हमको सिंगी का बच्चा डालना है, 1 किलो कितने दिन में होगा, तो इस टाइप के भी आते हैं। तो जो फ्रॉड वाले हैं वो 1 किलो की सिंगी करवा देते हैं और डलवा देते हैं 1 लाख। तो ये एक ओरिजिनल सप्लायर की पहचान है कि वो आपसे डेंसिटी, आपको कम बच्चा डलवाएगा लेकिन अच्छा डलवाएगा और बढ़िया डलवाएगा, तो उसे आप 2 पैसे ज्यादा भी दे के ले सकते हैं क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी देगा। फ्रॉड की पहचान ये है, आपने फोन किया कि सर मुझे डालना है 1 लाख बच्चा, तो वो बोलेगा कि आपकी जगह कितनी है, अब वो जगह जो है वो केवल 30-40 हजार बच्चे की है, तो वो बोलेगा ये तो जगह बहुत ज्यादा है, 2 लाख डल जाएंगे इसमें, 3 लाख तक डल सकते हैं, और बिल्कुल, और बोले 5 महीने 4 महीने में 1 किलो पार कर जाएगा, वो खिलाने की जरूरत भी नहीं है, आप तो ये थोड़ा बहुत ये खिलाना भूसी भासा और 1 किलो 2 किलो दाना डाल दीजिए फ्लोटिंग फीड रोज का, उतने में वो बढ़ जाएगा। तो आपको जो लालच आ जाता है और आप वहीं जाते हैं, यही है, जहां लालच आएगा ना वहां पर ही जाना नहीं है, वही है फ्रॉड की पहचान, जो लालच देता है। तो यहां पकड़िए, और जो लालच नहीं देता है वो ओरिजिनल सप्लायर होता है, वो एकदम ईमानदार होता है, जहां से आपका मन जो है वहां से लेने की इच्छा नहीं करता ना, वही वही होता है ओरिजिनल। क्योंकि हमारे पास 10 लोग आते हैं, फोन आते हैं, बच्चे चाहिए या दाना चाहिए, तब हम ओरिजिनल उसको बताते हैं कि भाई इतना नहीं होगा, इतना इतना हो पाएगा, तो 10 में से केवल एक ही रुक पाता है, 9 जो है वो भाग जाते हैं कि अरे यार ये तो ऐसे में क्या अमीर बन पाएंगे, मछली पालन ये तो बेकार है। अब वही दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं और वही व्यक्ति उनको 1 करोड़ करोड़पति मुंह से बना देता है कि भाई इतना करोड़ रुपए आप इतने लाख रुपए कमा लोगे, तो बोलते नहीं यार ये सही आदमी है यार, ये इसको जानकारी है वास्तव में, इस तरीके से वो वहां जाके फंसते हैं। तो किसान भाइयों इस तरीके की गलती ना करें, और जो नए मेरे भाई लोग हैं, जो नए एजुकेटेड लोग भी हैं, जो ऑनलाइन ज्यादातर एजुकेटेड लोग ही चलाते हैं, तो इस तरीके की गलती, इस तरीके के ना फंसे, यही मेरा उद्देश्य था, और आगे आपकी मर्जी है। बाकी ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए मैं कुछ सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, शायद कुछ दिन में हो जाएगा, तब मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही,
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि लोग ऑनलाइन फ्रॉड से बच सके। बाकी जय हिंद, नमस्कार।